ऑप्शन सेलिंग, आज ऑप्शन सेलिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपको ऑप्शन सीरीज जो हमने आपके लिए बनाई है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे बनी हुई है, उस सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज होने वाला है। आज हम बात क्या करने वाले, सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन सेल करते हैं ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है 80%। कैसे समझते हैं? सपोज आज के दिन SBI का प्राइस चल रहा है 180 रुपीस, हमने कॉल ऑप्शन बेचा। कॉल ऑप्शन बेचा मतलब वी फील SBI करेक्ट होगा, SBI डाउन जाएगा। SBI का प्राइस चल रहा है 180, हमने कॉल ऑप्शन बेचा 200 का। SBI के साथ अब यहां से क्या हो सकता है, या तो SBI बहुत ज्यादा टूट सकता है, थोड़ा टूट सकता है, जहां है वहीं रह सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, और सिर्फ आखिरी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि SBI बहुत ज्यादा बढ़ जाए। 180 प्राइस चल रहा है, 180 से बढ़ते बढ़ते 200 के भी ऊपर चले जाए, सिर्फ ये एक केस होता है जिसमें ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। तो मतलब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% है। आज के इस वीडियो में हम उस 80% की बात नहीं करने वाले। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि कैसे एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करा जाए और ऑप्शन सेल करा जाए। हम आज विनर्स की बात नहीं करने वाले। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 20%, हाउ टू डील विथ लेगार्ड्स, हाउ टू डील विथ लूजर्स। जब आपका ऑप्शन सेलिंग में डिसीजन गलत हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए? जब हम 20% गलत होंगे, उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज पे हम डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करें, अभी तक अगर आप ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधा ओपन फॉर ऑल चैनल पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसपे हम काफी रेगुलर अपडेट्स देते हैं। चाहे तो सीधा टेलीग्राम पे जाके ये इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च कर सकते हैं, इस चैनल का पार्ट बन जाइएगा। इसमें मेक श्योर कीजिएगा ओरिजिनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे ही पार्ट बने। ऑलमोस्ट 23,000 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं, काफी फेक चैनल्स भी आ गए हैं, उनसे थोड़ा सा बचेगा। चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन सेलिंग पे, हाउ टू डील विथ लूजर्स, इस चीज को समझना आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर बोलता है सर एक बार मैं ट्रेड तो ले लूं, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कर लूंगा। क्रिकेट आप सभी को पता है मुझे बहुत पसंद है। आप सोच के बताइए, जब क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग करने जाता है, वो हेलमेट पैड क्रिकेट में बैटिंग करने से पहले लगाता है या बैटिंग में कुछ हो जाए उसको लग जाए उसके बाद लगाता है? आप ड्राइविंग करते हैं, सीट बेल्ट आप ड्राइविंग करते वक्त लगाते हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद लगाते हैं? आप समझ पा रहे होंगे, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना, इससे पहले कि हम ऑप्शन सेलिंग करें, उससे पहले अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी, हमने 3 स्ट्रैटेजीज की वीडियो बनाए, हर वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट को कवर किया है कि अगर हमारी डील हमारे अगेंस्ट हो जाए, जो सिर्फ 20% टाइम होगा। देखिए ऑप्शन सेलर 80% टाइम कमाएगा, 80% टाइम उसके ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे विदाउट एनी एक्शन। 80% टाइम हम कमाने वाले, 20% टाइम अगर हमने प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, पूरे महीने का ऑप्शन में कमाए भी वाला चीज, जितना भी हमने पूरे महीने कमाया होगा ऑप्शन सेलिंग से, 4-5-10% आपने जितना भी महीने में कमाया, 20% टाइम अगर आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो आपका पूरा कमाया हुआ निकल जाएगा। कार ड्राइव करते वक्त हमें पहले सीट बेल्ट लगानी पड़ती है ताकि कभी एक्सीडेंट हो तो हम बच जाए। आज हम उस एक्सीडेंट की बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, चाहे आप कोई सी भी हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो या फिर आप अपनी कोई सी भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमें हमेशा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ही काम करना है। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, शॉर्ट में आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अभी SBI का प्राइस चल रहा है 180 रुपीस, हमें लगता है SBI गिरेगा करेक्ट होगा, तो हमें आउट ऑफ द मनी 180 प्राइस चल रहा है 200 का कॉल बेच दो। हमें लगता है SBI बढ़ेगा, 180 प्राइस चल रहा है 160 का पुट बेच दो, आउट ऑफ द मनी, वो भी फार आउट ऑफ द मनी में काम करना है। इसका फायदा क्या होता है, सबसे पहले आउट ऑफ द मनी जब भी हम ऑप्शंस में काम करते हैं वहां पे डेल्टा कम होता है, वॉलिटिलिटी कम होती है, हमारे लिए रिस्क कम होगी। हमें एक ऐसा शेयर चूज करना है जो शेयर तो वॉलिटाइल हो बट जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम चूज करें वो वॉलिटाइल कम हो, वहां पे रिस्क कम हो, इसीलिए हमें हमेशा आउट ऑफ द मनी में ही काम करना है। सेकंड, जब भी प्रीमियम डिटोरिएशन की बात होती है या फिर जो बायर की जेब से प्रीमियम आपकी मतलब हमारी सेलर की जेब में आता है, प्रीमियम डिटोरिएशन आउट ऑफ द मनी में बहुत जल्दी होता है। क्यों? जैसे ही नंबर ऑफ डेज हटते जाते हैं, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे में सारे ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, जैसे ही टाइम घटता जाता है SBI को, SBI का हम एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ SBI के ही एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे। SBI का सपोज प्राइस चल रहा है 180 और 200 का हमने कॉल बेचा है, जैसे ही टाइम घटता जाएगा प्रोबेबिलिटी कि SBI 180 से बढ़ के 200 को क्रॉस कर जाए
बहुत कम होती जाएगी। जैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी वैसे ही आपका प्रीमियम पकता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और फास्टेस्ट डिटोरिएशन होता है आउट ऑफ द मनी में। हमें आउट ऑफ द मनी में ही हमेशा काम करना है। आउट ऑफ द मनी में जब आप काम करोगे ना, आपको कुछ लोग बोलेंगे सर आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम कम होता है इसलिए हमें इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन में काम करना चाहिए। एट द मनी ऑप्शन का काम करने का मतलब क्या हुआ? SBI का प्राइस चल रहा है 180 रुपीज, 180 का ही मैं कॉल या पुट सेल करूं। देखिए जैसे आपने एट द मनी में काम किया या रदर इन द मनी में काम किया, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप SBI के शेयर का या फिर निफ्टी का जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने का काम कर रहे हैं। आपको और हमें अगर डायरेक्शन ही प्रेडिक्ट करना था तो सर आप सीधा डायरेक्ट ट्रेडिंग ही कर लेते ना, डायरेक्ट इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग कर लेते। हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे आप। अब हम इसीलिए आपके लिए एक ऐसा चीज लाया जहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हमें अगर हमने एट द मनी काम किया मतलब हम डायरेक्शन देख रहे हैं कि यार SBI तो बढ़ेगा ही सही, SBI तो घटेगा ही सही, हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए। हमें सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है जो हमें आउट ऑफ द मनी में बचेगा और आउट ऑफ द मनी में मिलेगा। इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी देता हूं। देखिए इस पॉइंट पे आपको और हमें स्टिक होना कि हमें आउट ऑफ द मनी में ही काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका लाइव एग्जांपल दूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट नहीं खुलाया, डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा और अलाइस ब्लू दोनों के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। स्पेशली अलाइस में आपको मार्जिन्स काफी ज्यादा मिलते हैं, जहां कंफर्टेबल हो आप अपना डीमैट खुला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खुलाइएगा। जैसे ही आप खुलाते हैं डिस्क्रिप्शन में investaajforkal11@gmail.com ID दी है, इस पर अपनी बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मेल करके बता देगी विद इन 10 डेज, जहां पे हमारी पर्सनल ट्रेड चाहे वो ऑप्शंस की हो, शेयर्स की हो, इवन ट्रेडिंग की हो, हर एक चीज हम शेयर करते हैं। शायद आपको काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग हो जाए जैसे आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बने। अब लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि आउट ऑफ द मनी का फायदा क्या होता है। पिछले एक महीने में व्हाट आर व्यू इज, हम लोग क्या कह रहे हैं, एक लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा व्यू ये है कि फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। फार्मा हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो मतलब हमें क्या बेचना है, हमें पुट सेल करना है। पुट सेल करते करते फार्मा में पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 8-9% का हम सभी गेन बना चुके हैं। आप अगर ज्वाइन मेंबर है, ज्वाइन बटन भी आपके चैनल पर आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेरी पर्सनल ट्रेड्स, मोर देन ट्रेड्स, ट्रेड्स तो प्राइवेट चैनल और मेंबर्स दोनों को मिलती है। मेंबर्स को और भी इनसाइट मिलती है जैसे डेविस लैब और काफी इनसाइट मिलती है। सभी को हमने ट्रेड शेयर करी है और काफी लोगों ने ऑलमोस्ट 7-9% का गेन बड़े आराम से पिछले एक महीने में फार्मा में कमाया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आउट ऑफ द मनी में काम करना। लेकिन आप में से कुछ लोग ने हमारी बात नहीं मानी और काफी लोगों ने एट द मनी या इन द मनी में भी काम किया। एग्जाम्पल से समझते, एक हमारे इन्वेस्टर है जिनको मैं हम हमेशा रेगुलरली बता रहे थे कि हमें आउट ऑफ द मनी में काम करना है, बट उन्हें लगा कि यार एट द मनी का प्रीमियम ज्यादा है, ज्यादा प्रीमियम, थोड़े से ज्यादा प्रीमियम के लालच में उन्होंने एट द मनी में काम किया। कौन से शेयर्स में काम किया था, उन्होंने ग्लेनमार्क में काम किया। उन्होंने 540 का पुट बेचा, ग्लेनमार्क स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, 540 का पुट बेचा। उनको लगा यार ग्लेनमार्क तो बढ़ेगा ही सही, तो इसीलिए उन्होंने 540 का पुट भरा। लेकिन उनकी गलती क्या हो गई, क्लाइमेक्स स्टॉप जो हमने आप सभी मेंबर्स को भी बताया था, प्राइवेट चैनल पर भी बताया था, क्लाइमेक्स स्टॉप जो ग्लेनमार्क में हमने वार्निंग दी थी कि बन रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने एट द मनी में काम किया। हुआ क्या, इनका प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ा कि इनको काफी लॉस हुआ। ऑलमोस्ट 15 दिन का गेन वो एक लॉस इनका ले गया बिकॉज उन्होंने एट द मनी में काम किया था, ग्लेनमार्क में ये क्लाइमेक्स स्टॉप पढ़ना भूल गए। इसकी जगह अगर इन्होंने 540 की जगह फॉर एग्जांपल 400 का पुट बेचा होता, 2.5 दिन में वो पुट वापस से प्रॉफिट में आ गया था और वो प्रॉफिट में निकल जाते 2.5 दिन में। देखिए आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, वहां पे प्रीमियम का वोलेटिलिटी बहुत कम होती है और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर उन्होंने 540 की जगह, देखिए 540 में अचानक से प्रीमियम बढ़ा और क्योंकि अचानक से बढ़ा वो पैनिक में सेल को वापस से कवर कर गए और लॉस बुक कर गए। उसी की जगह अगर इन्होंने आउट ऑफ द मनी में काम किया होता, बड़े आराम से 2.5 दिन में वो वापस से प्रॉफिट में आ गए थे क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी कम थी, मार्जिन्स कम रिक्वायर्ड थे, रिस्क कम था, इसीलिए वो आराम से कैटर कर पाते अगर उन्होंने 400 आउट ऑफ द मनी या फिर 450 आउट ऑफ द मनी में काम किया होता। आपको और हमें समझना जरूरी है, लाइव एग्जांपल है, फार्मा स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म में भी इसमें थोड़ी सी करेक्शन नहीं आ सकता। लॉन्ग टर्म में हम मान रहे हैं कि 1-2-3 महीने में ये बुलिश ट्रेंड है, बट बीच बीच में हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। जैसे ही हल्का फुल्का करेक्शन आया, अगर आपका ट्रेंड सही भी हुआ बट अगर आपने एट द मनी में काम किया और हल्का सा हमें लॉस हुआ,
हम नर्वस होके बेच जाएंगे और लॉस कर जाएंगे। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। हल्के से ज्यादा प्रीमियम के लिए एट दी मनी में काम करना और रिस्क बढ़ाना हमें नहीं है। अगर हमें रिस्क ही बढ़ानी थी तो आप और हम सीधा शेयर ट्रेडिंग करते। ऑप्शंस में हम आए ही इसलिए ताकि विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी साइड में हो। विनिंग प्रोबेबिलिटी को अपनी साइड बनाने के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ही हमेशा काम करना है। काफी लोग इसको सुन के उछलेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, कई एक्सपर्ट्स नाचेंगे कि यार एट दी मनी में काम करना चाहिए। उनके लिए एक और चीज है, काफी एक्सपर्ट्स आपसे क्या बोलेंगे कि जब कोई ऑप्शन में डेल्टा सेम हो तो वहां पे रिस्क सेम होती है। ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। जब डेल्टा सेम हो मतलब वॉलिटिलिटी, मतलब एक शेयर में सब जगह रिस्क सेम होगी, ऐसा नहीं होता। ये आपने और हमने प्रैक्टिकली देखा है। जैसे हम आउट ऑफ द मनी देखते हैं, आप प्रैक्टिकली कभी देखिएगा, चाहे आपका शेयर आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, फिर भी अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में काम किया है, आपकी जो वहां पे रिस्क होगी और आपको जो लॉस होगा वो वहां पे कम होने के बहुत 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 हाई चांसेस है। और सेलिंग एट द मनी इज ऑलवेज अ वेरी बैड आइडिया, इसके लिए हमें बचना होगा। एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव अगर आप हैं तो आप चूज कर सकते हैं, बट आई फील, मैं पर्सनली कभी भी एट द मनी या इन द मनी में बहुत रेयरली एक्सेप्शन बेसिस पे काम करता हूं। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो के कंक्लूजन तक पहुंचे और कुछ चीजें आपसे शेयर करें, अगर अभी तक आपने ज्वाइन मेंबर्स कंसीडर नहीं किया, आप ही के चैनल इन्वेस्ट आजकल पे ज्वाइन आ चुका है, जहां पे मेरी पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल माइंडसेट और काफी चीजें शेयर करता हूं। स्पेशल वीडियोस भी आपके लिए रहते हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगे तो कर लीजिएगा ज्वाइन, अगर नहीं लगे तो आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना तो आप मत भूलिएगा, ताकि आपका और हमारा कनेक्शन ऐसा ही बना रहे। अगर आपने अभी तक डीमैट नहीं खुलाया, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, डीमैट जरूर खुला लीजिएगा। और स्पेशली अलाइस में आपको मार्जिंस काफी ज्यादा मिलते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आज के वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो पांच इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट है। सबसे पहले हमें एट द मनी में काम नहीं करना है, आउट ऑफ द मनी में काम करना है। 5-10% हमें आउट ऑफ द मनी में काम करना है, ताकि हमारा सेफ्टी मार्जिंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सेकंड, सेफ्टी मार्जिन से बढ़ने के साथ साथ मार्जिन ऑफ एरर भी बढ़ जाएगा। छोटे मोटे आपके डिसीजन मेकिंग में एरर हुए तो उसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा, इसलिए हमें आउट ऑफ द मनी में काम करना है। थर्ड, आपको अगर ये जैसे आपने आउट ऑफ द मनी किया ना, वैसे ही मार्केट को आपको लॉस में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? SBI का प्राइस चल रहा है 180, आपको लग रहा है SBI करेक्ट होगा, इसलिए आपने 200 का कॉल बेच दिया। जैसे आपने 200 का कॉल बेच दिया, अगर मार्केट चाहता है कि आप लॉस में आओ, सबसे पहले मार्केट को 180 से बढ़ के SBI को 200 होना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तभी वो आपको लॉस में ला पाएगा, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट को मेहनत करनी पड़ेगी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम आपके फेवर में है। जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम पकता जाएगा। आउट ऑफ द मनी है तो वो जल्दी पकेगा एज कंपेयर टू एट द मनी, आप समझ पाए होंगे। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी करते हैं, प्रीमियम में लॉस अगर बाय चांस कभी आपकी 20% रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ती है, तो आपको जो प्रीमियम आपके अगेंस्ट जाता है वो बहुत स्लोली जाता है। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट करने का, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने का, आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहता है। मेक श्योर कीजिएगा हमेशा आउट ऑफ द मनी में काम करें। ये रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई थिंक मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज और बैक टू बैक वीडियोस लाने वाला हूं। काफी वीडियोस आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट पे आने वाले हैं, कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट फायर फाइटिंग करना है। अभी तक हम सीरीज में जो ऑप्शन की सीरीज हुई है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन इंडिया। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है, मैंने आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जाके ऑप्शन की सीरीज चेकआउट करिए। अभी तक हमने ये डिसाइड किया था वहां पे कैसे एक विनर्स को चूज किया जाए और कैसे पैसे कमाए जाए, और 80% टाइम आप जीतने वाले हो। जैसे आपने वो रूल्स जो हमने आपको सीरीज में डिटेल में बताया आपने अप्लाई किया, जैसे आप अप्लाई करेंगे 80% विनिंग प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। 20% का क्या किया जाए, वो 20% को हम अब कवर करेंगे इन डिटेल। आज ये पहला वीडियो था आउट ऑफ द मनी पे, आपको सर्टन होना बहुत जरूरी है। कई बार टेम्पटेशन होगा इन द मनी के लिए, जब भी आपको टेम्पटेशन हो ये वीडियो एक बार जरूर वापस ही देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही आप शेयर करेंगे, आपका प्यार हम तक पहुंचता है। अब ये 20% जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होने वाला है, इस चीज को भी आप डिटेल में जरूर देखिएगा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शंस में, कि आप रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। फाइनली आपको याद दिला दूं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ज्वाइन बटन आ चुका है, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते, नहीं लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें बिना कहीं मत जाएगा। सी यू वेरी सून, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट में जाने से पहले, बैटिंग करने पे जाने से पहले, आप अपना सारी डिफेंस के लिए आप सारे रिस्क मैनेजमेंट की चीजें लेते हो, हेलमेट लगाते हो, गार्ड लगाते हो, सारी चीजें लगाते हो। वैसे ही ऑप्शन में सेलिंग में जाने से पहले आपको ट्रेड अपनी प्लान करनी पड़ेगी, तभी आप ऑप्शंस में रेगुलरली कमा पाएंगे। सी यू वेरी सून।